आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज का मुद्दा और जिक्र हम कर रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, कश्मीर का आंतरिक जो हालात हैं वो काबू में नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए के मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आतंकवाद की जड़ें इतनी गहरी हो गई, इतना फैल चुका है ये नासूर, इतना फैल चुका है, क्या एक देश की बस की बात है इसको खत्म करना? शायद नहीं, इसलिए कई देशों को आना चाहिए। नहीं देखिए, आपने ये देखिए, टेररिज्म जो यूनेस्को वगैरह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो संस्थाएं बनी थी वो इसलिए बनी थी कि जो फ्रंटल अटैक दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं उनको रोकने के लिए। उस वक्त ये परिकल्पना नहीं की गई थी कि एक प्रॉक्सी वार का आतंकवाद एक नया चेहरा होगा, तो प्रॉक्सी वार को रोके तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अगर गंभीर समस्या आ रही है सारे लोग देश मिलकर उससे निपटे। नहीं देखिए, सवाल यही है कि नेचर ऑफ अटैक या वॉर जो है ना दोनों में अलग है। दो देशों में अगर लड़ाई है तो यूनेस्को वगैरह इंटरफियर कर सकते हैं। अब मान लीजिए यूनेस्को क्या बोलेगा कि हम अपनी सेना भेजते हैं? ये एक ऐसा छद्म रूप है वार का जिसको सारे देशों ने एक दूसरे के खिलाफ यूज करना शुरू किया हुआ है अपने अपने मकसद के लिए, जो ना वार की क्लियर कट, ये वार की कैटेगरी में नहीं आता है। इसीलिए यूनेस्को यहाँ पे बेबस जो है अपने आप को महसूस कर रहा है, और उस वक्त उन्होंने परिकल्पना नहीं की थी कि ये वार का एक नया रूप आएगा। एके मिश्रा जी, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया, गृह मंत्रालय की तरफ से गया, क्या हमारी तरफ से जो है वो शुरुआत नहीं की जाएगी? अगर आतंकवादियों ने, अगर पाकिस्तान की सेना की तरफ से अगर शुरुआत नहीं होगी तो हम इधर से शुरुआत नहीं करेंगे, पहली चीज़ ये। और दूसरी, जो कश्मीर के लोग हैं वो उनका साथ देते हैं घुसपैठियों का, यही वजह है कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर यहाँ पर हो जाती हैं, ढूंढना पकड़ना। नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, देखिए जो एक टेररिज्म है, आप ये देखिए हमारे देश में एक पंजाब का भी टेररिज्म था और एक यहाँ पे कश्मीर का भी था। अगर पंजाब वो एक टाइम तक कंट्रोल हो गया, ये तो लंबा वक्त हो गया। मैं बता रहा हूँ दोनों में, मैं फर्क बता रहा हूँ। देखिए, पंजाब के टेररिज्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमेशा से पॉलिसी रही है कि भाई टेररिज्म से हम कैसे भी निपटेंगे, हम इसमें किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर या बाहरी शक्तियों की किसी भी उनसे हम राय मशविरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान के इशू, सॉरी, ये कश्मीर के इशू में, कश्मीर के टेररिज्म को लेके दो फर्क है। एक तो अगर आप टेरेन देखेंगे, इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ पहाड़ी एरिया है कि वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। दूसरा ये है लोकल जो सपोर्ट मिलता है लोकल लोगों से, ये कश्मीर की जनता को भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये सोचना चाहिए कि जब एक आइडियोलॉजिकल कुछ ऐसा देखा जाता है, वहाँ की जनता अपने आप को आइडियोलॉजिकल इस तरीके से जोड़ने या कोरिलेट करने की कोशिश करती है कि ये जो हो रहा है वो सही है, तो इस भ्रम को तोड़ना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हम लोगों का काम है। और वहां के लोगों को यह चीज समझना होगा और समझाना होगा कि अल्टीमेटली हर तरीके से जो लॉस होता है वो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनको लॉस होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपने देखा था, मैं माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं, कि एक सैलानी की वहां पर मौत हो गई थी, क्योंकि वहां पर ज्यादातर पर्यटन कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं, पर्यटकों से बहुत ज्यादा फायदा होता है पर्यटन। अभी तो सुरक्षा को लेकर इस तरह से अगर लोग असहज महसूस करेंगे कौन वहां पर जाएगा? देखिए, कश्मीर में जो टूरिज्म था उसको टेररिज्म खा गया है। आप ये देखिए, 25 साल 30 साल पहले कोई भी फिल्म इंडिया की आप देखिए, बिना श्रीनगर के डल लेक की जो झील है, बिना उसमें फिल्म की शूटिंग कर किए हुए कोई भी जो है वहाँ पे फिल्म का कोई गाना या कोई फिल्म पूरा नहीं होता था। कश्मीर में अब जो ये टूरिज्म है वो तो खत्म हो गया है। उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि वहाँ के जो लोगों की अगर ये मेंटेलिटी बन गई है किसी भी तरीके से कि ये चीजें जो हो रही हैं, वहाँ के लोकल लोग जो ये बोलते हैं आतंकवादियों को पनाह देते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा जो है एक फार्मूला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनाना चाहिए, जैसे इन्होंने पंजाब में अपनाया कि जो टेररिस्ट है उनको और उनको सपोर्ट करने वाले, चाहे वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करें, चाहे वो उनको अपने घर में पनाह दें, चाहे किसी भी तरीके से करें, उनके साथ जीरो टॉलरेंस होगा, यानी कि इन लोगों को देखते ही गोली मारी जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी इंडिया ने भी टेक्नोलॉजिकल इतना ज्यादा डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने कर ली है, सर्विलांस के इक्विपमेंट आप देखिए, ड्रोन वगैरह ऐसे हैं जहां पे कि बॉर्डर के चप्पे चप्पे की निगरानी उस टेरेन पे रखी जा सकती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि रख रही है, ताकि इमीडिएट जैसे ही वहां से कोई ट्रूप या उनका कोई कुछ मोबिलाइज होता है, एक जत्था मोबिलाइज होता है, तो हमें पहले ही इन्फॉर्म चल जाए कि कुछ लोग वहां से जो है बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में है, और इमीडिएट वहां पे एक्शन लिया जाए। फिर देखिए, आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी हम लोगों को मैनेज करना होगा, लड़ना होगा, चारों तरफ से दवा बनाना होगा। देखिए, सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो आइडियोलॉजिकल, जब तक आइडियोलॉजिकल कनेक्शन को नहीं तोड़ा जाएगा ना, होगा क्या? आप एक को मारेंगे चार और पैदा होंगे, तो आइडियोलॉजिकल कनेक्शन को आप सबसे पहले तोड़िए, और उसके बाद जो बचे हुए हैं
वो उनको जो है बड़ी सख्ती से आप निपट। अच्छा एके मिश्रा जी, आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर वहाँ बुनियादी चीज़ों को लेकर लोग तरस रहे हैं, वहाँ शिक्षा को लेकर आप देखिए स्कूलों में क्या हालत हो चुकी है, अस्पतालों में वहाँ व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लोग मदद मांग रहे हैं दूसरे देशों से, लेकिन कश्मीर के लिए फंडिंग होती है, कश्मीर के लिए पैसा इकट्ठा होता है, करोड़ों और अरबों रुपए भेजा जाता है, पत्थरबाजों को दिहाड़ी दी जाती है, नेताओं को घूस खिलाई जाती है। देखिए आसिफ, अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये बात सत्य है कि पाकिस्तान में बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज भी वहाँ जो सबसे अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे नहीं है, और वहाँ के लोग तरसते हैं कि इंडिया वगैरह में आके उनका इलाज हो जाए। मैं बड़े सिंपल ग्रामीण इलाकों में तो बहुत ही बुरा हाल है वहाँ। नहीं, और मैं दूसरी चीज बताता हूँ, देखिए आप इसका इतिहास देखिए, पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ था तो ठीक है उस वक्त सपने कुछ और रहे होंगे, लेकिन पूरी आइडियोलॉजी को सत्ता लोग कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर जो चला था वहां पे कि हम मतलब ब्लीड इंडिया का एक उनका कॉन्सेप्ट था, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि हम इंडिया को इतने कट्स देंगे, इतने घाव देंगे कि इंडिया उसको झेल नहीं पाएगा जो खर्चे वगैरह होंगे सारी चीज़ें, और अल्टीमेटली हम जो है कश्मीर या श्रीनगर को इन सब चीज़ों को हम अलग करवा लेंगे। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं जानते थे कि हम हर मामले में बहुत मजबूत है। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जब किसी कंट्री में मतलब चारों तरफ विकास नहीं होता है, एजुकेशन का, इंडस्ट्री का, अब वहाँ पे जो सत्ता पे आसीन जो लोग हैं वो अपनी रोटियां कैसे सेकें, कैसे उस चीज को आगे बढ़ाएं ताकि उनको कोई रिस्क ना हो। पाकिस्तान इसके लिए क्या कर रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी के फील्ड में आगे बढ़ नहीं सकता, एजुकेशन, इनोवेशन, इन्वेंशन के फील्ड में आगे बढ़ नहीं सकता है। वो उनका एक दो कॉन्सेप्ट है, उनका कॉन्सेप्ट यह है कि कैसे भी करके इस्लाम या इस्लामिक कंट्रीज या ऐसे लोगों के आप रहनुमा बन जाइए, ऐसे लोगों के लीडर बन जाइए। इसीलिए इन लोगों ने अपने एटॉमिक बम का एक बहुत बड़ा नाम दिया कि ये इस्लामिक बम है। आप अगर इंटरनेशनल मीडिया वगैरह में जाके देखेंगे, देखिए फिलिस्तीन का मसला हो पाकिस्तान वहां पे भी टांग अड़ाता हो, अभी रोहिंग्या का मसला था पाकिस्तान की स्टेटमेंट वहां पे भी गई कि भाई हम मदद करने जाएंगे। पूरी दुनिया में जहां पे भी टेररिज्म का कहीं पे कोई मामला होता है, सबसे पहले भाई बन के मदद पहुंचने के लिए और सुरक्षा करने के लिए पाकिस्तान पहुंचता है। तो पाकिस्तान की अब ये एक ऐसे जाल में पाकिस्तान फंसा हुआ है जहां पे वो ये चाह रहा है कि मैं किसी न किसी तरीके से येन केन प्रकारण जो एक बची खुची मतलब कुछ एक हिस्सा है इंटरनेशनल लेवल पे, कुछ लोगों का ग्रुप है, हम उनके लीडर जो है बने रहें और सर्वाइव करते रहें इंटरनली और इंटरनेशनली दोनों जगह। कश्मीर को लेकर वो कश्मीर की मदद नहीं कर रहा है, कश्मीर का नुकसान कर रहा है। मदद कश्मीर, तो देखिए मैंने आपको कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, देखिए मिश्रा जी, कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, हर कोई जाना चाहता है, आतंकवादियों की वजह से वहाँ माहौल खराब है इसलिए नहीं जाना चाहता है। कश्मीर में तो इतनी ज्यादा कमाई होती, वो तो इतना संपन्न राज्य हो चुका होता, लेकिन यही दुश्मन है कश्मीर के। देखिए मैंने आपको एक घर-घर सुकून होता, आपको एक वर्ड यूज किया था आइडियोलॉजिकल। हाँ। अब देखिए कोई चीज हमारे लिए बड़ी खूबसूरत है, हम उसको कैसे यूज करना चाहते हैं, लेकिन जिनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है ना, उनको तो इन्हीं सब चीजों में बहुत अच्छा लगता है कि देखो जी हम जीत रहे हैं, मतलब बेगुनाह लोगों को हमने मार दिया, और वो उसको बहुत अच्छा काम समझते हैं, वो उसको अपना मिशन अकम्प्लिश समझते हैं। जिन्होंने अपना मिशन ही ये बना लिया है कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, केवल हमें बंदूक, आप मुझे एक चीज ये बताइए, किसी भी रिलीजन में हमेशा बंदूक को पकड़े रहना, मेरे ख्याल से कोई भी धर्म इस चीज की इजाजत नहीं देता है। लेकिन जहां अब देखिए यहां पे हाईजैक, आइडियोलॉजी कैसे हाईजैक होती है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से किसी एक आइडियोलॉजी को दूसरी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ के ये सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि ये काम बहुत अच्छा है, और इसी के कारण ये सारी चीजें आती है। पाकिस्तान जो इस चीज़, देखिए मजबूरी है पाकिस्तान की इस चीज़ को सपोर्ट करना, इंटरनेशनल लेवल पे अपने वजूद को बचाए रखना और इंटरनल भी अपने वजूद को बचाए रखना। जिस दिन जो है पाकिस्तान इन सब चीज़ों को, टेररिज्म और इन सब चीज़ों की फंडिंग बंद कर देगा ना, इंटरनली आप देखिएगा, इंटरनली भी उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो पाकिस्तान एक जिंदा है, इस चीज़ की खबर सब जगह जाती रहे, तो इस तरह के हलचले या इस तरह की करतूतें वो लोग करते रहते हैं। उन्होंने एज ए आइडियोलॉजी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। एके मिश्रा, जिस तरह से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है और सबको परेशानी कि आतंकवाद एक बड़ा खतरा है, हर देश इससे प्रभावित हो रहा है, फिर भी एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं।
आतंकवाद पैदा कैसे होता है जरा इसके कारण देखिए। एक तो इंटरनल जेन्यून रीजन हो सकता है कि अपने आप मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आई कि कोई वहाँ गुट उत्पन्न हो गया विद इन अ कंट्री, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर आप देखेंगे तो आतंकवाद को प्रमोट करने वाले, उसके कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने वाले बहुत सारे देश होते हैं अपने जो है इंटरनेशनल हित को साधने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आज़ादी के बाद हम लोगों ने अपना प्रिंसिपल ये अपनाया कि भाई हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और पीसफुल तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर ये देखा जाए तो जब जियाउल हक साहब वहाँ पे जो है मतलब ज़बरदस्ती उन्होंने सत्ता छीनी और वहाँ के राष्ट्रपति बने, तो 3M का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में जिससे पूरा पाकिस्तान चलता था, यानी मिलिट्री, मुल्ला और मस्जिद, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। और चूंकि वो खुद नाजायज तरीके से सत्ता पे काबिज हुए थे तो उनके लिए ये जरूरी था कि जो लोग विद्रोह कर सकते हैं उनको शांत कैसे करें, उनको सत्ता में कुछ न कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वैसे बेनिफिट दिया गया या स्टेक दिया गया, जैसे मस्जिद हो गया, मुल्ला हो गया, मिलिट्री हो गया, इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान को डिक्टेट करना शुरू किया। फिर हुआ क्या, जब आर्थिक तंगी वहाँ पे आई और अफगानिस्तान में वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान को अप्रोच किया, अमेरिका ने पैसे दिए, पाकिस्तान को पैसे चाहिए थे, पाकिस्तान ने अपने लोगों को अपने मिलिट्री को ये बोल करके अमेरिका को दिया कि भाई अफगानिस्तान में हम आपके लिए लड़ेंगे, और एक बहुत खूबसूरत तरीके से उसको एक जिहाद का जो है कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी से जोड़ा गया ताकि जो नौयुवक वहाँ पे जिनको पैसों की जरूरत है, जो बेरोजगार हैं, उनको उस आग में झोंका जाए। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या हुई कि जब अफगानिस्तान का वॉर खत्म हो गया तो सारे के सारे जो हथियार थे वो उनको वापस लेने चाहिए थे। ये इतने दिनों तक वॉर चला कि उन्होंने हथियार वगैरह वापस भी नहीं लिए, और जो लोग उन चीज़ों में अफगानिस्तान में जाके शामिल थे उनको फिर से रिहैबिलिटेट करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। अब ये इतनी बड़ी मतलब तादाद में ये सारे लोग पैदा हो गए थे तो वो जाएँ तो कहाँ जाए, वो पाकिस्तान के ऊपर वापस। देखिए जो पाकिस्तान में आतंकवाद है ये इसी की उपज है कि जो आपने एक फसल तैयार कर दी है अब वो कहाँ जाएगा, वो आपको ही काट रहा है। ठीक यही देखिए अमेरिका, यही आतंकवाद अमेरिका के ऊपर भी कर, जब तक अमेरिका के लिए फायदा होता था तब तक फायदा होता था, जब अमेरिका अगेंस्ट हुआ एक लेवल के बाद तो अमेरिका के ऊपर भी अटैक हुए, जो टावर वगैरह 9/11 की जो घटना हुई थी। देखिए सारे देश क्यों नहीं, सीरिया का आप एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ पे आप देखिए परोक्ष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप ये देखिए जहाँ पे इंडिजिनस प्रॉब्लम है, जैसे रशिया हो गया बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों के लिए, आप इसराइल देखिए बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आतंकवाद वगैरह जो है पनप नहीं पा रहा है। उसका रीज़न है कि वहाँ हर चीज़ क्लियर है और उनकी पॉलिसी और फिलॉसफी क्लियर है, लेकिन अगर आपके हाथ खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व है, रंगे हैं, तो आप खुल करके कैसे किसी चीज़ का विरोध कर सकते हैं। तो जो चीज एक किसी एक देश के लिए फायदेमंद है वो दूसरे के लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल, जब तक उसके लिए नुकसानदायक नहीं है तब तक विरोध नहीं कर रहा है। नहीं, जिसके लिए नुकसानदायक है वो विरोध करेगा, लेकिन जिस देश का फायदा है वो विरोध क्यों करेगा।